बिहार चुनाव के आगाज के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई थी। चुनावी माहौल में पूर्णिया जिले में आरजेडी से जुड़े दलित समुदाय से आने वाले नेता शक्ति मलिक की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। मामले ने और भी तूल पकड़ लिया जब इसका आरोप लालू यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर लगा। इसके साथ ही आरजेडी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी आ गई। बीजेपी और जेडीयू नेता तेजस्वी और तेज प्रताप पर जमकर हमला बोलने लगे। बिहार चुनाव में भाग लेने के लिए मुख्य विपक्षी दलों कांग्रेस, वामदल और आरजेडी ने महागठबंधन बनाया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार थे। ऐसे में उन पर हत्या का आरोप लगने से सभी सहयोगी दलों के चेहरे पर पसीने आ गए। इधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि परिवारवादी आरजेडी ने बिना सहयोगी दल की राय लिए और दलित पिछड़ों की दो पार्टियों को अपमानित कर जिस व्यक्ति को सीएम फेस बनाने की जिद पूरी की, उस राजकुमार के चेहरे पर पूर्णिया के युवा दलित नेता की हत्या का आरोप लगा। सुशील मोदी ने कांग्रेस और वाम दल से पूछा कि वो बताएं कि क्या चुनाव लड़ने का टिकट देने के बदले 50 लाख मांगने और हत्या कराने का आरोपी सीएम फेस महागठबंधन को मंजूर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी तेजस्वी और तेज प्रताप को घेरा। उन्होंने कहा कि 40 साल के दलित नेता की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी ने तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर साफ तौर से उगाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने जो मामला दर्ज करवाया है उसमें इन दोनों भाइयों के नाम है। बिहार और भारत की जनता तेजस्वी और तेज प्रताप से सवाल पूछती है कि एक ओर वे सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दूसरी ओर उनकी अपनी ही पार्टी के दलित नेता की हत्या हो जाती है। आरजेडी और महागठबंधन पर हमला करने में जेडीयू भी पीछे नहीं रही। जेडीयू ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी ने शक्ति मलिक से 50 लाख रुपए पहले और 20 लाख रुपए टिकट फाइनल होने के बाद मांगे थे। मना करने पर शक्ति को जाति सूचक शब्द कहे गए। वहीं अजय आलोक ने चुनाव आयोग से मांग की कि वो इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीबीआई से जांच कराए। गौरतलब है कि आरजेडी के दलित नेता शक्ति मलिक की पूर्णिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शक्ति का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव पर 50 लाख रुपए मांगने और पैसे देने से इनकार करने पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया था। वहीं शक्ति की पत्नी के बयान पर पुलिस ने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।